हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। इससे पहले जो है हम अपनी क्लासिफिकेशन जो सी है वो हम स्टडी करके आए हैं। वो क्लासिफिकेशन थी अबाउट किसकी बेसिस के ऊपर, वो बेसिस थी उसकी ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर। हमने अभी तक जो सी क्लासिफिकेशन सॉलिड्स की पढ़ी है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स के ऊपर थी, जिसमें हमने 7 डिफरेंट जो से हैं वो सिस्टम्स पढ़े थे, जिनके अंदर क्यूबिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल और इस तरह 7 टोटल सिस्टम्स थे जिनकी डिटेल हमने स्टडी की थी। अब हम जो अगला अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं वो भी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है, लेकिन उसकी बेसिस कुछ और है। किस बेस के ऊपर अब हम उसको क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं उसको हम देखते हैं। अब हमें पता है कि जितने भी सॉलिड्स हमारे पास मौजूद होते हैं वो मिलके बने होते हैं या तो एटम्स से, या फिर आयंस होंगे, या फिर वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। अब हमने अपनी ज्योमेट्रिकल शेप्स को जब हमने 7 सिस्टम्स क्रिस्टल के पढ़े उसके अंदर हमने देखा कि फॉर एग्जांपल एक क्यूब है तो इसके ये 8 जोन से हैं, डिफरेंट कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स के ऊपर आपके एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और डिफरेंट शेप्स बनती हैं, वो स्टडी हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो उनसे इस शेप के अंदर इन कोनों पर मौजूद हैं ये आपस में कौन सी फोर्स इनको आपस में बांध के रखे हुए है, ये कौन सी फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ इन फिक्स पोजिशंस के ऊपर खड़े हुए हैं। जब हम इन फोर्सेज को स्टडी करेंगे तो उसकी बेसिस के ऊपर एक नई क्लासिफिकेशन हमारे सामने सॉलिड्स की सामने आएगी, जिसको हम आज के टॉपिक में अपने शुरू करने जा रहे हैं कि जोन से केमिकल बॉन्ड्स। ये बेसिस बेसिकली क्या है, दिस इज केमिकल बॉन्ड्स, कि आपका जो सॉलिड है वो उसके अंदर उसके एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सा केमिकल बॉन्ड मौजूद है, कौन सी चीज़ मौजूद है, कौन सी फोर्स मौजूद है जो कि इन एटम्स को, इन मॉलिक्यूल्स को या इन आयंस को अपनी शेप के ऊपर फिक्स रखने पर मजबूर करती है। तो उस केमिकल बॉन्ड की बेसिस के ऊपर हम सॉलिड्स की जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास 4 तरह के सॉलिड्स आते हैं। नंबर 1 इज आयनिक सॉलिड्स, नंबर 2 आर द कोवलेंट सॉलिड्स, नंबर 3 इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड नंबर 4 आर द मेटेलिक सॉलिड्स। ये जन से तरह की टाइप्स हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ये किसकी बेसिस के ऊपर हैं, ये इनकी बेसिस है उनके दरमियान मौजूद केमिकल बॉन्ड, कि किस केमिकल बॉन्ड से एटम्स आपके, आयंस या मॉलिक्यूल्स मिलके सॉलिड बन रहा है। तो ये 4 तरह की जो सी क्लासिफिकेशन है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से इस टॉपिक में हम आज अपना पहला सॉलिड जो है वो स्टडी करेंगे, दैट इज आयोनिक सॉलिड्स। आप लोग अपनी छोटी क्लासेस के अंदर मैट्रिक में आयनिक बॉन्ड को स्टडी करके आए हुए हैं, आप में से काफ़ी लोगों को इसकी डेफिनेशन भी याद होगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा जौन सा है इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब भी एक एटम ए जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा, ट्रांसफ़र करने का क्या मतलब है कि वो चीज़ इसकी थी लेकिन इसने उठा के इसको दे दी, अब इसका इसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, ये होगी ट्रांसफ़र। एक चीज़ पहले किसी की मलकियत थी, अब वो किसी और एटम की मलकियत बन गई है। तो एटम के इलेक्ट्रॉन देने पे या ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। ये सारी वो बात है जो आप डेफिनेशन में पीछे पढ़ के आए हुए हैं। अब वो तमाम सॉलिड्स, सॉलिड्स हैविंग, वो तमाम सॉलिड्स जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद है आर कॉल्ड, वो कौन से सॉलिड्स होंगे, दे विल बी आयनिक सॉलिड्स।
तमाम वो सॉलिड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा, दोज आर कॉल्ड दी आयनिक सॉलिड्स। अब हमें पता है कि हमारे जो उनसे क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, अभी हमने बात की थी कि सॉलिड जो उनसे हैं दे कैन बी मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो अब जब कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड आयंस का बना होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो कौन से सॉलिड्स होंगे? आयोनिक सॉलिड्स होंगे। अब ये आयंस, आयंस होता, आयन क्या होता है ये भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर होना चाहिए। जब भी किसी एटम के अंदर, अगर एक एटम ए है तो इसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आके, तो ये आपके पास ए नेगेटिव आयन बन जाता है, और अगर इसी ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये आपके पास ए पॉजिटिव आयन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऐड या रिमूव होने से आयंस बनते हैं। ये सारी बात हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा। अब ये आयन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक ए आयन है और एक बी आयन मौजूद है, और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे को बड़ी स्ट्रॉन्गली जो सा है अट्रैक्ट करेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर मेरे पास एक मैग्नेट ए है और एक मैग्नेट बी है, और इनको जब मैं पास लाऊंगा इस तरीके से कि इसका नॉर्थ पोल उसके साउथ पोल की तरफ हो, तो ये एक दूसरे को बड़ी जो उनसा है तेज़ी के साथ अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह मैग्नेट एक दूसरे के ओपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह ओपोजिट आयंस जो उनसे हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये भी ए पॉजिटिव और ये जो उनसा है बी भी पॉजिटिव होता, तो ये कभी भी एक दूसरे को ना करते, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल ही करते। तो इसका सिंपल सा जो चीज़ है वो ये है कि लाइक आयंस जो उनसे होते हैं, एक जैसे आयंस, लाइक आयंस, दे रिपेल ईच अदर, और जो उनसे अनलाइक आयंस होते हैं, अनलाइक आयंस का मतलब ओपोजिट आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव जो उनसे हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हो गई हमारे पास आयंस की थोड़ी सी केमिस्ट्री कि किस तरीके से आयंस जो उनसे काम करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कह रहा हूँ, ये जो आयनिक सॉलिड्स हैं इसके अंदर होता ही है कि आपके पास एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और आपके पास ए बी एक आयनिक सॉलिड बन जाता है। जिस तरह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपके पास आयनिक सॉलिड बन जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड, ये तमाम जो उनसे हैं आयोनिक सॉलिड्स हैं, ये आयंस बनते हैं और फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दीज आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड की डेफिनेशन को मैं रिपीट कर दूं, ऑल दो सॉलिड्स हु हैव आयनिक बॉन्ड्स इन देम दे आर आयनिक सॉलिड्स। अब हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ये चूंकि क्रिस्टलाइन टेम्परेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो सारी प्रॉपर्टीज हम शुरू में पढ़ के आए हैं वो तो इनके अंदर मौजूद होंगी कि इनकी ज्योमेट्रिकल शेप डिफाइंड होगी, ये प्रॉपर इनके अंदर शेप एग्जिस्ट कर रही होगी। अब हम चलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी है इनके टेम्परेचर्स, इनके जो उनसे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। होता क्या है कि आपके पास ए और बी ये आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ओपोजिट चार्जेस होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर मैंने इनको तोड़ना है, इनको सेपरेट करना है, तो मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये एक दूसरे को बड़ी मजबूती से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब मैं इनको तोड़ूंगा या मैं इनको सेपरेट करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे एनर्जी की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो मेरी बहुत
ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनकी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़्यादा होने की वजह से जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं दे आर हार्ड, वो बहुत ज़्यादा जो उनसे हैं वो सख्त होते हैं। उनके जो उनसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसकी अब देखें ना, ये ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये ए और बी टूट जाएं या के लिक्विड स्टेट में चले जाएं, तो इसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी ज़्यादा चाहिए। एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो मतलब मुझे एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं हम? एनर्जी हम देते हैं हीट की फॉर्म में। हीट का क्या मतलब है? टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि इसको अलहदा करने के लिए मुझे टेम्परेचर जो सा है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर देने की वजह से ये इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होगा दे आर वेरी हाई, ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर बॉयल या मेल्ट नहीं करते। इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है इन सॉलिड्स को मेल्ट करने के लिए या फिर बॉयल करने के लिए। फिर वो कहता है जी इनकी लो वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी जो होती है ये एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं कि अगर एक चीज़ ओपन एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई है, लिक्विड या सॉलिड, तो इसमें से कोई चीज़ उड़ के एटमॉस्फेयर में तो नहीं जा रही। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें कि अगर मैं एक ट्रे के अंदर मेरे पास पेट्रोल है, तो ये कुछ अर्से के बाद, कुछ चंद मिनट के बाद जो उनका है मेरी ट्रे खाली होगी, सारा का सारा पेट्रोल वेपर बन के इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेट्रोल था ये हाई वोलाटाइल मटीरियल था, इसकी वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो उनका है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत कम होता है। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चूंकि बहुत ज़्यादा हैं इस वजह से इनकी वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। वोलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट जोन से हैं, काम करते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास इनकी जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम जाते हैं इनकी क्रिस्टल की तरफ के क्रिस्टल लैटिस के अंदर जोन से हैं ये चीज़ें या आयनिक सॉलिड जोन से हैं किस तरह से काम करते हैं। अब आयंस की स्टडी हमने की कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे, इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर सेम आयंस होंगे तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हुए हम इनकी ज्योमेट्री की तरफ जाते हैं, इनकी शेप की तरफ जाते हैं। अब होता क्या है कि चूंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो उनसे हैं मिलके बने होते हैं, तो इस तरीके से ये अरेंज होते हैं कि इनके साथ जो उनसा है हमेशा ओपोजिट आयन ही आए ताकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। अगर यहाँ पे नेगेटिव आयन आ जाता इस जगह पे तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाते, इसलिए इनकी अरेंजमेंट इतनी क्लोज पैकिंग, वो वर्ड यूज कर रहा है जी क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का क्या मतलब है? क्लोज पैकिंग का ये मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ इनकी पैकिंग बहुत ज़्यादा क्लोज होगी। उसकी वजह क्या है कि ये ओपोजिट चार्ज आयंस होते हैं, पॉजिटिव भी मौजूद होता है नेगेटिव भी मौजूद होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जब अट्रैक्ट करेंगे तो साथ आके जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये बहुत कम स्पेस लेंगे और इनकी पैकिंग बहुत ज़्यादा क्लोज होगी, इनके दरमियान स्पेसेस बहुत कम होंगी। और वो कह रहा है जी ऑल्टरनेट मैनर में जो उनसा है ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट का क्या मतलब है? ऑल्टरनेट का मतलब है कि पॉजिटिव के सामने हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तभी क्लोज पैकिंग होगी। अगर पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ जाए तो ये कभी भी इतना अट्रैक्ट ना करें, ये तो एक दूसरे से दूर भागना शुरू हो जाए, रिपेल करना शुरू कर दें। तो ये तो हो गया इनकी ज्योमेट्री की जो उनकी है बात। अब वो कहता है जी कि आपका जौन सा है आयनिक सॉलिड्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला मास। अगर आपको अपने पहले चैप्टर में मोल का कॉन्सेप्ट याद हो तो हम फॉर्मूला यूनिट और फॉर्मूला मास इस्तेमाल किया करते थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब आपका जो सा क्रिस्टल है या आपकी जो सी क्रिस्टल लैटिस के अंदर आयंस मौजूद हैं, अगर ये एक पॉजिटिव आयन है तो इसके साथ सिर्फ एक नेगेटिव आयन आके अटैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके इर्द गिर्द भी सारा आयन मौजूद है, सारा
आयनिक सॉलिड मौजूद है, तो सॉलिड मौजूद होने की वजह से इसके इर्द गिर्द और भी जो उनसे हैं वो नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे जो कि इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसकी वजह से हम जो है इसको मॉलिक्यूल का नाम नहीं देते। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये एच और ये सी एल, ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये अकेला एग्जिस्ट करेगा। इसके इर्द गिर्द एच सी एल तो मौजूद होंगे, लेकिन वो इसके साथ बिल्कुल जुड़े हुए अटैच इस फॉर्म में शायद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये आयंस नहीं है। इस वजह से हम इसको मॉलिक्यूल नहीं कहते, हम इसको फार्मूला यूनिट या फार्मूला मैस नाम देते हैं कि इसके एक यूनिट का फार्मूला जो है वो ये है। लेकिन ओरिजिनली इसके क्रिस्टल के अंदर अकेला NaCl एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। एक पॉजिटिव को कई तरफ से नेगेटिव जोन से हैं वो घेरे होते हैं, और एक नेगेटिव को कई तरफ से पॉजिटिव भी घेरे हुए होते हैं। इसलिए आप अकेला एक पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं जी कि हमारे पास आयनिक सॉलिड्स का फॉर्मूला मैस या फॉर्मूला यूनिट जो है वो मौजूद होता है। ये तो हो गया इसकी एक और प्रॉपर्टी जो कि हमने इसमें देखी कि इनके दरमियान क्लोज पैकिंग होती है। नेक्स्ट जो है हमारा, उसमें हमने देखनी है इनकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी? ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज़ में से पास करवाने के लिए हमारे पास उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री आयंस मौजूद होने चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस का क्या मतलब है कि दैट आर फ्री टू मूव, उन्हें मूव करने की आज़ादी हो। वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट तो होंगे ही, आयंस हैं, लेकिन वो इस कदर अट्रैक्ट ना होंगे, वो फिक्स रहें। वो मोनिक सॉलिड्स होते हैं, ये चूंकि बने होते हैं आपके पास आयंस से। आयनिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ आयंस, और आयंस जब भी फ्री होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब वो आपके पास सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट के अंदर उसके अंदर जो उनसे मौजूद आयंस हैं वो फ्री नहीं है, दे आर नॉट फ्री। क्यों? क्योंकि वो तो फिक्स हैं अपनी अपनी पोजिशंस पे, नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट के अंदर इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। ये सॉलिड जब होंगे, आयनिक सॉलिड्स अपनी सॉलिड की शक्ल में बिजली को अपने अंदर से पास नहीं करेंगे, लेकिन जब ये मोल्टन फॉर्म में होंगे या इनका सोल्यूशन बना देंगे हम, तो फिर क्या होगा, फिर इनके आयंस जो उनसे हैं वो फ्री हो जाएंगे, और फ्री आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करेंगे। तो आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आयनिक सॉलिड्स जो उनसे हैं सॉलिड स्टेट में नहीं करते, जबकि लिक्विड या सोल्यूशन की फॉर्म में बिजली को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। और उसकी सिंपल सी लॉजिक है कि सॉलिड्स के केस में दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इस केस में उनके दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मेरे पास NaCl का सॉलिड फॉर्म में पाउडर है और मैं उसमें से बिजली पास करता हूँ तो नहीं होगी, लेकिन अगर उसी NaCl को मैं बीकर में मौजूद पानी के अंदर डाल के NaCl का सोल्यूशन बना देता हूँ और फिर इसमें से बिजली जो सी है वो पास करता हूँ, तो इसमें से करंट पास करना शुरू हो जाएगा। तो वो कह रहे जी कि ये अपने मोल्ट फॉर्म में और सोल्यूशन की फॉर्म में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अगली एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इनकी वो है जी ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस ये होती है किसी भी चीज की कि फोर्स अप्लाई करने से, फोर्स की एप्लीकेशन से वो चीज़ लेयर्स में डिवाइड हो जाए, टूट जाए डिफरेंट लेयर्स के अंदर, तो हम उसको कहते हैं जी कि ये जो सी है चीज़ ये ब्रिटल है। अब आयनिक सॉलिड होते हैं, इसका इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। आपकी बुक में भी एक डायग्राम बनी हुई है। सपोज करते हैं जी ये एक लाइन थी जिसके अंदर आपके पास, ये मैं एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ,
ये इनके अंदर जो उनसे आपके पास नेगेटिव आयंस हैं सपोज कर लेते हैं वो ये वाले हैं, और ये सारे जो उनसे हैं ये पॉजिटिव आयंस हैं। अब इसी तरह जो है इसके नीचे भी अब जो होगा आपके पास वो नेगेटिव आयंस जो उनसे हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होंगे ताकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, या इसको हम यूँ समझ लेते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके ओपोजिट हमेशा आपके पास अल्टरनेट मैनर में होंगे। अब ये एक लेयर थी मॉलिक्यूल्स की, ये दूसरी लेयर थी मॉलिक्यूल्स की या आयंस की जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने इस वाली लेयर के ऊपर फोर्स अप्लाई की। जब मैं इस वाली लेयर के ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये थोड़ी सी मूव करेगी। नीचे वाली लेयर मैं उसी तरह बना रहा हूँ, लेकिन अब जब ये वाली लेयर जब आपने मूव करवा दी तो ये वाला पॉजिटिव जो यहाँ पर मौजूद था ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा और ये आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको जब मैंने फोर्स लगाई तो उतली लेयर मूव कर गई। जैसे ही उतली लेयर मूव की तो आपने देखा कि सेम चार्जेस जो उनसे हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए। जैसे ही ये सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आएंगे ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। नतीजे में क्या होगा, इसके रिजल्ट में क्या होगा, इसके रिजल्ट में ये होगा कि आपके पास एक लेयर जो सी है वो दूसरी से सेपरेट हो जाएगी। ये लेयर अलहदा, लेयर 1 और ये लेयर 2। तो हमने ब्रिटलनेस की डेफिनेशन पढ़ी कि फोर्स अप्लाई करने से आपकी चीज़ लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। अब लेयर्स में डिवाइड होने की वजह से जो आपके पास लेयर्स में डिवाइड होने की वजह से फोर्स अप्लाई की और ओपोजिट चार्जेस एक दूसरे के सामने आ गए, और सामने आने की वजह से एक लेयर सेपरेट और दूसरी लेयर सेपरेट। तो ये थी इनकी ब्रिटलनेस होने की लॉजिक। क्योंकि इसके अंदर आयंस मौजूद होते हैं, ओपोजिट चार्जेस मौजूद होते हैं, तो जैसे ही आप फोर्स लगाते हैं वो स्लाइड करके सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और सामने आने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक आयंस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और आपके पास ब्रिटलनेस जो सी है प्रॉपर्टी वो शो करेंगे। ये तो हो गया इनकी जनरल जो सी है प्रॉपर्टीज। अब हम एक एग्जाम्पल को जो है वो स्टडी करते हैं जो कि आयनिक सॉलिड्स की एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है जी NaCl की, सोडियम क्लोराइड। अब इसकी क्रिस्टल लैटिस को अगर आपने स्टडी करना है तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है जी कि इसका क्रिस्टल लैटिस होता है क्यूबिकल, क्यूब की शक्ल में। दिस इज़ अ क्यूब। हम बेसिकली इसमें स्टडी करेंगे यूनिट सेल को, कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने सोडियम, कितने क्लोरीन और किस तरह से होते हैं। लेकिन ये क्यूबिकल बेसिकली ये इस तरह 3 डायमेंशंस के अंदर फैला होता है। अब वो कहते हैं जी कि आप अगर सोडियम और क्लोरीन के आयन के साइज का, इनके साइज का अगर कंपैरिजन करें तो सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10, क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 18। मतलब एक शेल का फर्क है, सोडियम का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। क्लोरीन आयन इज बिगर देन सोडियम आयन, ठीक है जी। अब वो कहता है जी कि डिस्टेंस जो सा है आपके पास दो क्लोरीन के एटम्स के दरमियान वो 5.63 एंगस्ट्रॉम है। ये एंगस्ट्रॉम हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं। दिस इज इक्वल टू 10^-10 मीटर्स, ये एक सफिक्स है, यूनिट है। 5.63 एंगस्ट्रॉम क्लोराइड, क्लोराइड आयन का जो सा है वो साइज होता है। अब इसके दरमियान हमें पता है ये जो साइज, ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली है एक क्लोरीन से लेके दूसरे क्लोरीन के दरमियान।
अब पता है कि इनके दरमियान छोटा आयन सोडियम का मौजूद होगा, तो वो कहता है जी दो ओपोजिट आयन के दरमियान फासला कितना होगा अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो वो आ जाता है 2.815 एंगस्ट्रॉम। फिर वो कहता है जी कि आप अगर क्रिस्टल लैटिस को स्टडी करें इसकी, अपने सोडियम क्लोराइड की, तो इसके अंदर एक सोडियम जोन सा है पॉजिटिव आयन, ये सराउंड किया होता है 6 क्लोरीन आयन से, और 6 क्लोरीन और एक जो क्लोरीन आयन है सॉरी, ये सराउंड किया होता है 6 सोडियम के आयन से। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक आयन के गिर्द कितने दूसरे वाले आयन्स मौजूद हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है क्लोरीन का एंड सोडियम का दोनों का 6 है। एक सोडियम के गिर्द 6 क्लोरीन और एक क्लोरीन के गिर्द 6 सोडियम मौजूद होते हैं। इसी वजह से हम इसको NaCl को एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं करार दे सकते। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी कि आपका सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ मॉलिक्यूल, इट्स अ फॉर्मूला यूनिट। इसके फॉर्मूले को देखते हुए हम जो है वो बताते हैं। फिर आगे वो इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करता है, जिसके अंदर वो कहता है जी कि इसके एक क्यूब के अंदर जो से हैं, अगर ये एक क्यूब है, तो इसके अंदर सबके ऊपर इस तरह से क्लोराइड आयन जो सा है वो मौजूद होगा। ये सारे जो से मैंने बनाए हैं, दीज आर 8 क्लोराइड आयन्स। अब ये जो हमारा यूनिट सेल है क्यूब, इसके अंदर तमाम क्लोराइड जो से हैं इनका कितना हिस्सा मौजूद है, तो वो एंड पे 1 क्लोरीन के बराबर निकलता है। ये आपको समझ अभी शायद नहीं आएगी, लेकिन अभी मैं आपको एक वीडियो के मदद से जब दिखाऊंगा तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस चीज़ को समझने में कि कितने एक यूनिट सेल के अंदर जो से हैं वो कितने आपके पास क्लोरीन और कितने सोडियम जो से हैं वो मौजूद होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी उस वीडियो की तरफ, जिससे आपको चीज़ ज़्यादा आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये हमारी एक वीडियो है जिसमें आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ NaCl को वो स्टडी करेगा। इसको अगर आप देखें तो वो कह रहा है जी ये छोटा वाला सोडियम है, ये क्लोरीन है। ये छोटे वाले की उसने रेडियस बता दिया 0.95, और बड़े वाले का भी उसने बता दिया। इन दोनों की जब रेशियो लेता है तो वो 0.526 के बराबर निकलती है इनके साइजेस की रेशो। इसकी वजह से इसके थ्रू पता लगता है कि इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा। वो कहता है जी ये देखें, एक NaCl, इसको मैं पॉज करूं, ये छोटा वाला Na का है, एक Na पॉजिटिव के गिर्द कितने क्लोरीन मौजूद हैं, 1 2 3 5 4 6। इसी तरह आगे चल के आपको बताएगा इसके अंदर, अब इसी को एक्सटेंड कर रहा है क्रिस्टल लैटिस को 3 डायमेंशन के अंदर आगे लेके आ रहा है। इसको आप जब ये एक्सटेंड किया तो देखा कि क्लोरीन के गिर्द कितने सोडियम मौजूद हैं, ये क्लोरीन है ना, इसके गिर्द कितने सोडियम है, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। यहाँ पे अब वो ये आपको बता रहा है कि आपका जोन सा क्लोरीन जोन से हैं, एक सोडियम के इर्द गिर्द जो से 6 क्लोरीन हैं, वो ओक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं, कि ये क्लोरीन थी, इसके चारों तरफ यूं 1 4 और ऊपर नीचे भी 2, तो टोटल हो गए 6। तो ये ओक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, 6 जो से डिफरेंट वो हैं क्लोरीन एक सोडियम के गिर्द। इसी तरह से एक सोडियम के गिर्द जो से हैं, जो 6 क्लोरीन है, वो भी जो सा है आपके पास सेम ओक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो सा है वो बनाते हैं। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है अपने एक यूनिट सेल की, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था। इसको अगर आप देखें, अब यहाँ पे आपको वो समझ आएगी, ये हमारा एक यूनिट सेल है, इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम के कितने आयन्स हैं टोटल, और क्लोरीन के कितने आयन हमारे पास एक यूनिट सेल में मौजूद हैं। तो इसको अब बड़े अच्छे तरीके से विजुअली वो आपको निकाल के दिखाएगा। ये कोनों पे हमारे कोनों वाले जो थे वो उसने निकाल लिए, ये यहाँ पे कोनों पे जो हिस्सा मौजूद था, ये 8 कोनों पे 1/4 पार्ट था, ये जब आके आपस में मिलेगा तो ये 1 क्लोरीन का एटम बन जाएगा। ये देखें, ये एक बन गया। अब ये जो से इसने निकाले हैं साइडों वाले 2 और ये 2 निकलेंगे 3, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स निकला है 4 एक यूनिट सेल के अंदर। इसी तरह अब वो निकालेगा सोडियम के आयन्स, 1
ये वाले दो, ये वाले तीन, और ये वाला सेंटर वाला एक चौथा। तो टोटल जो से हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर क्लोरीन और सोडियम मौजूद होते हैं आयंस, वो कितने होते हैं जी? फोर। यही चीज जो सी है आपकी बुक में भी मेंशन है कि आपके एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ सोडियम आयंस आर फोर एंड नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस आर आल्सो फोर। तो टोटल एक यूनिट सेल के अंदर चार NaCl के फार्मूला यूनिट्स जो होते हैं वो आपके पास मौजूद होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के वजह से के थ्रू आपको ये सारी चीज़ बआसानी जो सी है वो क्लियर हो गई होगी। तो ये हमने एक एग्जांपल भी स्टडी की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आयोनिक सॉलिड्स की। अब हम चलते हैं आगे एक छोटी सी टर्म के ऊपर जो कि है लैटिस एनर्जी, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होती है? क्रिस्टल लैटिस हम पढ़ के आए हुए हैं। जब भी वो कहता है जी इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, किसको ब्रेक करने के लिए? 1 मोल ऑफ सॉलिड। कौन सा सॉलिड? आयोनिक सॉलिड। 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू आइसोलेटेड आयंस। अब अगर मेरे पास सॉलिड है, आयनिक सॉलिड्स का 1 मोल है, आयनिक सॉलिड्स का मतलब है जी कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मुझे इनको सेपरेट करना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को जो सा है एनर्जी कितनी चाहिए होगी उसको तोड़ने के लिए उसके आयंस के अंदर? तो दैट वुड बी कॉल्ड एन लैटिस एनर्जी। और अगर मैं इसकी उल्टी बात करूं कि ये मेरे पास दो सेपरेट आयंस मौजूद थे, इनको मिला के मुझे जो सा है आयन पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के मुझे एक सॉलिड बनाना है और इसका 1 मोल बनाना है, तो मुझे जाहिर सी बात है एनर्जी जो सी है वो निकलेगी। इस केस में, इस केस में हमें देनी पड़ रही थी, रिक्वायर्ड थी, इस केस में एब्जॉर्ब होगी, तो वो एनर्जी भी बराबर ही होगी। दैट वुड बी द लैटिस एनर्जी। तो यही बात वो आपकी जो सी है बुक में भी मेंशन कर रहा है, आपकी बुक में रिएक्शन के थ्रू वो बेसिकली शो कर रहा है। हम भी इसको देख लेते हैं। Na पॉजिटिव अगर आयंस मौजूद हैं और Cl नेगेटिव आयंस जो उनसे मौजूद हैं और इन्होंने मिल के NaCl बनाना है सॉलिड, तो मुझे कितनी एनर्जी जो सी है ये बाहर निकलेगी इनमें से, इसके बनने के अमल में बाहर क्यों निकलेगी? क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव से जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो एनर्जी को रिलीज कर देंगे। तो ये होगी 787 जाउल पर मोल। और यही NaCl का 1 मोल जब मैं तोड़ूंगा इसके आयंस के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, तो मेरे पास मुझे उतनी ही एनर्जी जोन सी है वो इसको तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी। और ये एनर्जी क्या है? दिस इज लैटिस एनर्जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने आयनिक उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी एग्जांपल NaCl की डिटेल्ड एग्जांपल वीडियो के थ्रू समझी, और एंड पे हमने ये लैटिस एनर्जी का जो टॉपिक था वो कवर किया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट आयनिक सॉलिड्स। जो बाकी के तीन सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स, उनको हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।